ये शाहजहाँ बादशाह शाहजहाँ का एक ख्वाब थी, क्योंकि वो चाहते थे कि एक ऐसी मस्जिद तामीर की जाए कि जो मेरे शाही तख्त से ऊंची हो। और इसको बनाने में उस दौर में लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा आया था, जो आज के वक्त में तो पता नहीं कितने बैठते हैं। ये जो आप जालियों के अंदर बंद जगह देख रहे हैं, ये बहुत मुकद्दस जगह है। इस जगह पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया था। 80 मीटर लंबी और 27 मीटर चौड़ी इस मस्जिद को लगभग 5000 मजदूरों ने 6 साल के अंदर बनाया। 24 जुलाई सन 1656 में इस मस्जिद में पहली बार अब्दुल गफूर की इमामी में नमाज अदा की गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं दोस्तों आपको, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं दिल्ली की जामा मस्जिद, इसकी मैं पूरी तारीख आपको बताने वाला हूँ, इसकी हिस्ट्री बताने वाला हूँ, उसका क्या तारीख है, किस तरीके से इसको बनाया गया है, और इसको बनाने के पीछे बहुत ऐसे ऐसे फैक्ट है ना जो आपको शायद नहीं पता होंगे। ये नॉर्मल इमारत नहीं है, इसको बहुत अलग तर्ज पर बनाया गया है, और इसको एक इस्लाम का एक बहुत प्यारा आप नमूना भी इसको बोल सकते हैं, जो ये मेरे पीछे जामा मस्जिद है। तो उसके बारे में टोटल हिस्ट्री में आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो फैस ब्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मैं लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करें। ठीक है, चलिए इसकी हिस्ट्री शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है दिल्ली की जामा मस्जिद, जो बादशाह शाहजहाँ का एक बहुत बड़ा ख्वाब थी, और उनकी एक तमन्ना थी कि एक ऐसी मस्जिद तामीर की जाए जो मेरे शाही तख्त से ऊँची हो। उसके बाद शाहजहाँ ने इसको बनाया है। इसकी क्या हिस्ट्री है वो मैं आगे चल के आपको सारा डिटेल में बताऊँगा। दोस्तों, यूँ तो आपने जामा मस्जिद काफ़ी सारे शहरों में देखी होगी, जैसे कि हमारे आगरा में भी एक जामा मस्जिद है जो शाहजहाँ की बेटी जहानारा बेगम ने बनवाई थी, लेकिन ये दिल्ली की एक ऐसी जामा मस्जिद है कि इसको दिल्ली का दिल भी कहा जाता है। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये शाहजहाँ बादशाह शाहजहाँ का एक ख्वाब थी, क्योंकि वो चाहते थे कि एक ऐसी मस्जिद तामीर की जाए कि जो मेरे शाही तख्त से ऊँची हो, क्योंकि बादशाह लाल किले में बैठा करते थे, दिल्ली के लाल किले में, वहाँ पर उनका शाही तख्त था। वो मस्जिद इतनी ऊंची हो कि मेरे शाही, उसका फ्लोर जो, उसका फर्श, वो मेरे शाही तख्त से भी ऊंचा हो। ठीक है, तो ये आप देखेंगे दिल्ली के लाल किले के सामने ही बनी हुई है। तो इसकी कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई थी कि बादशाह शाहजहाँ एक जगह तलाश कर रहे थे जहाँ पर इस मस्जिद को तामीर की जाए। ठीक है, तो शाहजहाँ ने हुक्म दिया कि एक ऐसी जगह तलाश की जाए जहाँ पर एक मस्जिद को तामीर किया जाए। तो जिस जगह पर आज ये मस्जिद है, उस जगह पर पहले एक पहाड़ी हुआ करती थी जिसका नाम था भोजला, और इस जगह पर आकर शाहजहाँ की तलाश ख़त्म हो गई, क्योंकि उनको लगता था कि ये जगह मस्जिद बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये पहाड़ी जो थी वो लाल किले के ठीक सामने ही थी, थोड़ी दूरी पर ही थी, तो उनको लगा कि ये जगह पूरी तरीके से ठीक है। तो यहाँ पर फिर इस मस्जिद का काम शुरू कराया गया, और इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर 1650 को की गई थी, इसके बनाने की शुरुआत। और इस मस्जिद का जो फ्लोर प्लान है वो आगरा में स्थित जामा मस्जिद की तर्ज पर बनाया गया है, लेकिन ये उससे काफ़ी बड़ी है। 80 मीटर लंबी और 27 मीटर चौड़ी इस मस्जिद को लगभग 5000 मजदूरों ने 6 साल के अंदर बनाया, और इसको इतना ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है ना कि लोग जो इसको देखने आते हैं वो उसको देखकर चौंक जाते हैं कि इतनी खूबसूरत मस्जिद कैसे हो सकती है। और इसको बनाने में उस दौर में लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा आया था, जो आज के वक्त में तो पता नहीं कितने बैठते हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत और काफ़ी महंगी मस्जिद है, जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, और इस्लाम का एक बहुत प्यारा नमूना है। शायद नहीं पता होगा, या फिर पता भी हो तो मैं बता देता हूँ कि इस मस्जिद को पहले मस्जिद जहानुमा बोला जाता था, वही इसका नाम रखा गया था, लेकिन फिर बाद में इसमें काफ़ी सारे लोग जमा होने लगे, तो लोगों ने इसका नाम जुमा मस्जिद कर दिया, यानी कि जुमा जहाँ पर जुमा पड़ा जाए वो वाली मस्जिद। उसके बाद फिर जामी मस्जिद हुआ इसका नाम, लेकिन वक्त के साथ साथ आज मस्जिद जहानुमा बदलकर जामा मस्जिद कहलाने लगी, और आज के वक्त में हर शहर में आपको मोस्टली बड़े बड़े शहरों में आपके जामा मस्जिद देखने को मिलेगी, लेकिन इस जामा मस्जिद की बात ही कुछ और है। दोस्तों, अब मैं आपको इस जामा मस्जिद की एक ऐसी खास मुकद्दस जगह की ज़ियारत कराने वाला हूँ, जहाँ पर खुद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने वुजू किया था। ये जो आप जालियों के अंदर बंद जगह देख रहे हैं, ये बहुत मुकद्दस जगह है। इस जगह पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया था। दरअसल हुआ क्या चीज़ था कि शाहजहाँ को एक ख्वाब आया था, और शाहजहाँ ने ख्वाब में देखा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जामा मस्जिद के हौस के इस वाले कोने में बैठकर वुजू कर रहे हैं। ठीक है, तो शाहजहाँ जब नींद से बेदार हुए तो उन्होंने यहाँ पर आके देखा, और इस जगह पर आकर जब उन्होंने देखा था तो ये जगह पूरी तरीके से गिली थी, ऐसा लगा था कि यहाँ पर किसी ने अभी वुजू किया है। तो ज़ियारत के तौर पर लोगों को मतलब वक्तों तक काफ़ी सारे उनकी पीढ़ियाँ यहाँ पर आएँ और इस जगह की ज़ियारत करें, इसलिए शाहजहाँ ने इस जगह को पूरी तरीके से बंद करवा दिया था। और इस जगह को नशिस्त गाय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोला जाता है। आज भी आप अगर यहाँ पर आते हैं जामा मस्जिद में तो इस जगह की ज़ियारत करना बिल्कुल ना भूलना। ये बहुत पाक जगह है, इसकी वीडियो में भी ज़ियारत करिए,
और जब भी आप यहाँ पर आएँ तो ये मस्जिद है, मस्जिद के बिल्कुल सामने ही ये पूरी जगह महफूज है। दोस्तों शाहजहाँ ने इस मस्जिद के साथ साथ एक सपना और देखा था कि वो चाहते थे कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाऊं। तो शाहजहाँ ने जिस जगह ये मस्जिद है और इसके पास ही एक शहर बनाया जिसका नाम था शाहजहाँबाद, जो फ़िलहाल में पुरानी दिल्ली के नाम से मशहूर है, और वो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था। लेकिन आज आपको उस जगह पर बहुत तंग गलियाँ और बहुत सकरे सकरे रोड देखने को मिलेंगे, लेकिन आज भी उस जगह पर रौनक इतनी ज़्यादा रहती है ना पुरानी दिल्ली में, जो कि बताया नहीं जा सकता। और जिस टाइम पर इस मस्जिद को बनाया गया था उस टाइम पर मुग़ल सल्तनत अपने चरम सीमा पर था, और इस दौर में इतनी ज़्यादा शाहजहाँ ने खूबसूरत इमारतें बनवाई हैं ना कि जिसको आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, जैसे कि ताजमहल है, दिल्ली का लाल किला है, और ये जामा मस्जिद जैसी काफ़ी सारी इमारतें उस दौर में बनी थी। और आखिरकार दोस्तों 6 सालों के बाद 1656 में इस मस्जिद का काम पूरा कर लिया गया। ये जो आज आपके सामने है, इस मस्जिद को 1656 में बनाकर तैयार कर दिया गया था। अब मस्जिद तैयार हो गई, अब बारी आती है इसमें नमाज पढ़ने की। अभी तक इसमें कोई नमाज नहीं हुई थी। तो बादशाह शाहजहाँ जाते थे, जिस तरीके से मस्जिद कुछ अलग है, कुछ यूनिक है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है और बहुत अजीम मस्जिद है, उसी तरीके से यहाँ के इमाम भी बहुत ज़्यादा आला होने चाहिए। तो बादशाह ने इमाम की तलाश शुरू करवा दी। दोस्तों काफ़ी टाइम तक शाहजहाँ ने इमाम की तलाश जारी रखी और आखिर में शाहजहाँ की तलाश ख़त्म हुई उज़्बेकिस्तान के बुखारा शहर में। यहाँ से एक इमाम का नाम सामने आया जिनका नाम था सैयद अब्दुल गफूर शाह, और उन्हीं को इस मस्जिद का इमाम चुना गया। और 24 जुलाई सन 1656 में इस मस्जिद में पहली बार अब्दुल गफूर की इमामी में नमाज अदा की गई, और उस दिन दिल्ली की आवाम के साथ साथ शाहजहाँ और उनके दरबारियों ने भी इस मस्जिद में पहली बार नमाज अदा की। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने सैयद अब्दुल गफूर शाह को इमाम सल्तनत की उपाधि दी, उनको लकब दिया, और उनके बाद आज तक उनके ख़ानदान के लोग ही इस मस्जिद में इमामत करते हुए आ रहे हैं। और सैयद अब्दुल गफूर के बाद सैयद अब्दुल शकूर इमाम बने, उनके बाद सैयद अब्दुल रहीम, सैयद अब्दुल रहमान, सैयद अब्दुल करीम, सैयद मीर जीवान शाह, सैयद मीर अली शाह और सैयद मोहम्मद शाह, सैयद अहमद बुखारी इमाम बनते रहे। और आज भी इस मस्जिद में इमामत अब्दुल गफूर शाह के ख़ानदान वाले ही करते हुए आ रहे हैं। ये एक 3 डोम वाली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद है जो दूर से ही देखने में दिखाई देती है, क्योंकि ये इस जगह पुरानी दिल्ली के जो शाहजहाँबाद है उसकी सबसे ऊंची जगह पर बनी हुई है, इसलिए दूर से ही आपको दिखाई देती है। दोस्तों मुझे यकीन है कि आपने इस मस्जिद को पहले ही विज़िट कर रखा होगा, लेकिन क्या आपको ये जो हिस्ट्री जो मैंने बताई है पहले से पता थी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप यहाँ पर मेट्रो से भी आ सकते हैं, जिसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जामा मस्जिद है, जो बिल्कुल पास में ही है। और आपको जैसे पता ही है जामा मस्जिद अपने खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पर खाने भी बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये सारा कुछ था आज की इस वीडियो में, जो आपको मैंने जामा मस्जिद के बारे में बताया। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है या कुछ ऐसा हमने ऐसा बताया जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए तो फैज़ व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के हमें लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।